सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईक्यू के 9T डिवाइस के अंदर आप जो है नोटिफिकेशन लाइट कैसे लगा सकते हैं। नोटिफिकेशन लाइट मींस कि जब भी आपके फोन पर कोई भी कॉल आती है तो डिस्प्ले के बॉर्डर साइड में आपको एक कलरफुल लाइट ब्लिंक करती है, तो देखने में कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग लगती है। इवन गाइस एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशन भी आती है तो ये लाइट वहां पर देखने को मिलती है। तो अभी चलो डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन लाइट कैसे लगाना है हमें अपने डिवाइस के अंदर। वेल गाइस फोन के अंदर नोटिफिकेशन लाइट को लगाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसका डाउनलोडिंग लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखा है, आप वहां से इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर में जाएंगे एडज लाइटिंग गैलेक्सी डायनेमिक सर्च करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। वैसे तो मोस्टली बहुत सारे एप्लीकेशन मिलते हैं तो आप किसी को भी चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है। मैंने इसको देखा एंड ये एंड्रॉयड 11 9 12 13 सभी में रन करता है प्रॉपरली, इसलिए मैंने इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो और एडज लाइटिंग से बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं इस टाइप के। अब इसको आप ओपन करना, इसका यूज इंटरफेस भी काफी इजी टू यूज है। यहाँ अलाउ करेंगे परमिशन को, अगेन अलाउ करना है, ये डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। इसको हम सभी परमिशन को फटाफट एक्सेस करते हैं, इसके बाद ओवर एप्लीकेशन की परमिशन देंगे तो यहाँ से इसको भी हम अलाउ कर लेते हैं। आप ये स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को फॉलो करो, इजीली आप जो आसानी से नोटिफिकेशन लाइट लगा पाओगे। एड्स आ रही है, कार्टिनू टू ऐप करेंगे, इसके बाद यहाँ पर इनेबल बटन है, इसको भी इनेबल करेंगे। लाइट ब्लिंक कर रही है बिकॉज अभी ये नॉर्मली येलो कलर की लाइट है और ये देखने में काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग तो नहीं लग रही है, इसमें कलरफुल लाइट डालने वाले हैं। इसके लिए पहले तो कॉल वाले को चूज़ करेंगे क्योंकि कोई कॉल आए तभी ये लाइट हमें दिखाई दे। इसके बाद कीप सर्विस पे ऑन करेंगे, लाइटिंग इफेक्ट पर जाएंगे। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा फ्लशिंग और गैलेक्सी का दो टूल, फ्लशिंग वाले पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर मिक्स कलर को बस ऑन कर देना है गैलेक्सी वाले लाइट के साथ। इसके बाद आप फ्लशिंग मोड पर जाएंगे तो अब ये लाइट देख सकते हो काफ़ी कलरफुल दिखाई हमें दे रही है। इसमें कलर्स भी मिल जाते हैं, आप चाहें तो यहाँ फर्स्ट कलर भी चूज करके इसको चेंज आउट कर सकते हैं, सेकेंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका प्रीमियम लेते हैं इसके बहुत सारे मोस्ट ऑफ केसेस में जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो यूज़ करने को आपको मिल जाते हैं। अभी फिलहाल बाइक आएंगे हम, यहाँ पर एड्स आ रही है, अगेन कट करेंगे एड्स को एंड यहाँ पर हम करने वाले हैं लाइटिंग डिस्प्ले यूज, इसको प्रेस करेंगे। इसमें ओपेसिटी, राउंड कॉर्नर रेडियस है, ड्यूरेशन है, स्पीड और थिकनेस, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ से आप इसको प्रॉपरली कस्टमाइज कर सकते हैं। ओपेसिटी मीन्स कि अगर आपकी लाइट बहुत ही कम दिख रही है तो आप इसको फुल कर देंगे, वेंडी डिस्प्ले लाइट आपको प्रॉपरली दिखाई देगी। और राउंड कॉर्नर रेडियस है, अगर लगता है आपकी जो डिस्प्ले लाइट है वो प्रॉपर राउंड शेप में नहीं है आपके डिस्प्ले में तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी देखो कट चुके हैं कॉर्नर्स, इसको कम कर देंगे, कॉर्नर्स हमारे पास आ चुके हैं, अभी प्रॉपर फिट है अब हमारे डिस्प्ले पे। तो इस तरह से कर सकते हो और डिस्प्ले लाइट को फुल, ड्यूरेशन को आप फुल करेंगे, इसलिए कोई भी कॉल होती है मैक्सिमम 15 या 20 सेकंड 30 सेकंड समथिंग होती है तब इसको 10 सेकंड तक कर लीजिए। स्पीड आप अपने हिसाब से मैनेज आउट कर सकते हैं, नॉर्मली रखें तो ठीक है, स्लो में थोड़ा कर लें, और थिकनेस है, थिकनेस इतना ही ठीक है, बाकी अगर आपको लंबा चौड़ा करना है इसको तो यहाँ से इजीली कर सकती है। सो इस तरीके से आप अपने फ़ोन के अंदर इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन और ऐप नोटिफिकेशन लाइट को लगा सकते हैं। आई होप कि आप समझोगे कैसे लगाना है। इनका इस फिर भी कोई कन्फ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।